नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हम बातचीत करें, बड़ी चर्चा हो रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में अपने बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। संघ एक ऐसे आदमी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है जिसके नाम पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहमति ना दे। अगर नरेंद्र मोदी की सहमति के ना के बावजूद भी यदि संघ उसी व्यक्ति को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर देता है तो क्या फिर ये माना जाए जो बीते कई दिनों से नितिन गडकरी बात कहते नजर आ रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री का पद भी बदला जाएगा? ये सब बड़ी बातें इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक सुर्खियां बनी हुई है। और राजनीतिक सुर्खियां इसलिए भी बनी है कि बीजेपी को हर हाल में दिसंबर से पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष देना है और उससे पहले बीजेपी चाहती है एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करके जेपी नड्डा से प्रभार लिया जाए, क्योंकि जेपी नड्डा इस समय पूर्णकालिक स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते बीजेपी में एक कल्चर है कि एक व्यक्ति एक पद। ऐसे में जेपी नड्डा 19 जून के बाद लगातार इस पद पर बने हुए हैं। बात यहीं नहीं रुकती है, आगे बढ़ती है। बीजेपी अब तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करती आई, उस नियुक्ति के अनुसार बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर देती थी और संघ को बता देती थी। कभी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाबत उनसे चर्चा की जाती थी, लेकिन 2014 के बाद जो कल्चर बदला उसके बाद फिर निरंतर बदलता चला गया। राजनाथ सिंह के बाद जब ये पैटर्न चेंज हुआ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अमित शाह को बनाया गया, तो उसके बाद ये बीजेपी ने तय कर लिया कि अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष को नियुक्त करने के बाद संघ को संदेश दे दिया जाता। यही प्रक्रिया अमित शाह के साथ चली, यही प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा के साथ की। संघ को कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी सतह पर कूद चुकी थी और उस समय आरएसएस से बिना सलाह मशविरा के 400 पार का नारा देकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर गई, आरएसएस को यह बात तो थोड़ी सी नागवार गुजरी थी। लगातार जो सीटें बता रहे थे उसके अनुरूप परिणाम नहीं आ रहे थे, तो आरएसएस थोड़ी सी जिम्मेदारी पूर्वक एक बात कहना चाहती थी जिसे बीजेपी नकार रही थी। बीजेपी अपूर्णता अहंकारी बन चुकी थी, आरएसएस कई बार कह चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान के अवतार बन चुके, आरएसएस प्रमुख कह चुके हैं, और भी कई बड़े आरोप बीजेपी के नेता खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा चुके। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार की जो सरकार है वो एक तरीके से पूर्णकालिक सरकार नहीं बनी है, क्योंकि बीजेपी के संसदीय बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। इस लिहाज से यह सरकार हमेशा अवैध सरकार है और रहेगी। जब तक इस सरकार की पार्टी का अपना संसदीय बोर्ड का चयन होकर और संसदीय बोर्ड बैठकर अपने एक नेता का चयन नहीं करेगा, तब तक ये पद असंवैधानिक करार दिया जाएगा। इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मीडिया इन सब बातों पर चर्चा नहीं करती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए जिसका प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा, नितिन गडकरी ने रखा। अब चूंकि हम चूंकि बातचीत अध्यक्ष की कर रहे थे तो अध्यक्ष पर बने रहेंगे, ऐसे में लगातार बीजेपी में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आरएसएस सवाल करता है बीजेपी पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, हिमंता विश्व शर्मा, एकनाथ सिंधे, मुरली देवरा, ढेरों नाम है, एक फेरिस्त है पूरी, जो अन्य दलों से आए और बीजेपी में
रास्ता पा गए, बीजेपी में प्रवेश कर गए, और वो लोग आज बीजेपी की नाक कान आंख बने हुए हैं। कभी कांग्रेस के सबसे प्रबल समर्थक और हमेशा कांग्रेस से सांसद रहने वाले जगदंबिका पाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी बनी है उसके चेयरमैन बनाए गए। बहुत सारे बातें, बहुत सारे सवाल हैं, इनसे आरएसएस बेहद आहत है। आरएसएस का मानना है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपना कैरियर पूरा लगाते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तो बाहर से आए लोग ही अगर पदार्पण करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, तो जो पार्टी के नेतृत्व के लोग हैं, जो पार्टी को अपने खून पसीने की कमाई से सींचते हैं, उनका क्या होगा। ये बात आरएसएस की बड़ी गंभीर है, लेकिन कोई सुने तब तो। आरएसएस के कई छोटे छोटे अनुसांगिक संगठन है, एबीपी, बजरंग दल और भी बहुत सारे उसके संगठन हैं, जिनके नेताओं को गाय बगाहे वो बीजेपी में भेजकर उनका कुछ न कुछ कायाकल्प करती रहती है, उन्हें समर्थन करती रहती है, उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। अब मौका नहीं मिल रहा है, उसके अपने नेता नेपथ्य में जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आरएसएस और बीजेपी, खासकर मोदी, अमित शाह और आरएसएस में पटरी बैठ नहीं रही। बार बार लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरएसएस बेहद खुश है, उनसे भी नहीं बैठ रही है, क्योंकि उनका पैदाइशी प्रबल विरोध है। वो हमेशा हिंदू महासभा के काम करने वाले लोगों में समार रहे, और हिंदू महासभा से आरएसएस का 36 का आंकड़ा पूर्वत था, है और रहेगा। इस लिहाज से एक बार ऐसा मौका आया था जब महंत अवैधनाथ से लालकृष्ण आडवाणी जी ने वादा कर दिया था कि आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, और उसके बाद आरएसएस ने वहां लोकसभा का उम्मीदवार उतार दिया था और महंत अवैधनाथ ने भी पर्चा भर दिया था। तब वो हिंदू महासभा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे। ऐसे गुरु के चेले आदित्यनाथ जी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी पर फिर आरएसएस कैसे अपना भरोसा जताएगा, ये बात आप समझ लीजिए। अभी बीते दिनों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन लगातार प्रवास किए गोरखपुर में, खुद मुख्यमंत्री प्रवास किए, लेकिन आरएसएस ने उन्हें बुलाना उचित नहीं समझा। मीडिया में कई बड़ी खबरें चली, कई बड़े चैनल से इस खबर को ब्रेक करते नजर आए कि आरएसएस प्रमुख से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब रिश्ते बहुत ज्यादा सटीक और फेवरेबल नहीं है। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठा पटक और घमासान मचा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात साबित होती नजर आ रही है, आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते बहुत मजबूत नहीं है। चलिए हम बात अपनी पूर्वत, जिस मुद्दे से हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उस पर आ जाते हैं। अब ऐसे में आरएसएस ने जिस नाम को सुझाया है, वो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रबल विरोधी का है। अब अपने प्रबल विरोधी को नरेंद्र मोदी कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सुशोभित होने देंगे, यह सवाल खड़ा हो गया है। इससे पहले आरएसएस की मंशा थी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस पद पर बिठाया जाए, ताकि नागपुर के अंडर रहे बीजेपी, लेकिन इस बात पर भी सहमति न बनते देख अब बीजेपी को आरएसएस चाहता है कि एक बार संजय जोशी की कमान में दी जाए। आपको बता दें कि एक बार और संजय जोशी को कमान मिल रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कमान रोक दी, और उससे पहले वो बीजेपी में 2006-07-08 की बात कर रहा हूं, इतने ताकतवर नेता हुआ करते थे कि तब आडवाणी का एक इकबाल कायम करता था भारतीय जनता पार्टी, और उस समय आडवाणी पाकिस्तान में जिन्ना पर जाकर एक गलत बयानबाजी कर बैठे थे बीजेपी के मुताबिक, और उस बयानबाजी के बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर वो युवा नेता, उस समय आज से बात में कह रहा हूं अगर 8 की बात है तो लगभग ये 16 वर्ष पुरानी बात हो गई, तब वो नेता जाके लालकृष्ण आडवाणी को आरएसएस का संदेश देते हुए बोला था कि आडवाणी जी, आप बड़े स्तर के नेता हैं, पार्टी में सर्वे सर्वा हैं, लेकिन आपने जो जिन्ना के खिलाफ, जिन्ना के बारे में समर्थन में जो बयान दे दिया है, उससे आरएसएस आपसे बेहद नाराज है। और फिर इसको लेकर आडवाणी जी ने माफी मांगी, सारे काम किए, लेकिन आरएसएस की निगाह पर
फिर दोबारा लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चढ़ पाई। और उसी सब सिस्टम को देखते हुए एकाएक लगा था कि अब संजय जोशी बीजेपी की कर्ता धर्ता बन जाएंगे, बीजेपी को चलाएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और उसी दौरान नरेंद्र मोदी के कुचक्र में फंसकर उन्हें नेपथ्य में फेंक दिया गया। 2014 के बाद तो लोग जानते नहीं कि संजय जोशी हैं कहां, लेकिन 2019 के बाद उन्हें फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ा गया। 22 में उन्होंने मिलकर काफी कुछ सांगठनिक काम किए, धीरे धीरे उनका आपसी तालमेल बनता चला जा रहा है। एक बार आरएसएस चाह रही है कि हम संजय जोशी के हाथ में बीजेपी की कमान दें ताकि टूटती बिखरती बीजेपी और बीजेपी के और आरएसएस के बीच बिगड़ते रिश्ते खराब ना हो और इन रिश्तों को एक मधुर गति मिले और बीजेपी राजनीति के सत्ता के शिखर पर बनी रहे। ये बात बीजेपी के लोगों को नागवार गुजर रही है। बीजेपी के लोग कुछ हैं जो नहीं चाहते हैं कि संजय जोशी के हाथ में बीजेपी की कमान दी जाए, लेकिन आरएसएस जब मन बना लेता है, आरएसएस तैयारी कर लेता है, तो फिर सुनता किसी की भी नहीं। अगर आरएसएस ने वास्तविक संजय जोशी पर मन बना लिया और संजय जोशी के नाम को लेकर आरएसएस में कुछ मुखर बातचीत हो गई, तो आप मानिए कि अगला अध्यक्ष बीजेपी के संजय जोशी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर यानी कल 74वां जन्मदिवस मना लिया जाएगा और इसके बाद वो 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। बीजेपी में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद एक नियम कानून बनाया कि 75 के वर्ष के बाद कोई अपने पद पर नहीं रहेगा। इधर लगातार बीजेपी में वो धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं। कल हरियाणा की रैली में उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, कभी वो राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हैं, अब वो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध पर इस देश के जनमानस से 10 वर्ष से वोट लेते आए। कांग्रेस को कट्टर भ्रष्टाचारी, कट्टर देशद्रोही, जाने किन किन कट्टर शब्दों से नवाजते रहे। अब देश की जनता 10 वर्ष शासन करने के बाद आपसे आपका परिणाम मांग रही है। आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है, उस रिजल्ट को देखकर जनता आपसे नाराजगी जता रही है। हरियाणा में बुरा हाल है और ऐसे में आरएसएस पूरी तरीके से समझ चुका है कि पार्टी पर जब तक कोई ठीक ठाक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा जो सांगठनिक अनुभव रखता हो, जो संगठन के बारे में मजा मजाया खिलाड़ी हो, तब तक पार्टी को खड़ा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की शुरुआत थी, उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। अपना एक स्कूटर लिया, टूटा सा पुराना सा स्कूटर था, और उसी के सहारे पूरे उत्तर प्रदेश में जिले जिले जाकर अपना एक पूरा संग्राम तैयार करते रहे। और 2014 में उस अकेले व्यक्ति ने अपने परचम से, नरेंद्र मोदी के सहायता से, पूरे प्रदेश की 73 सीटें बीजेपी की झोली में परोस दी। उसके बाद अध्यक्ष बदले, अध्यक्ष के पद पर केशव प्रसाद मौर्या नियुक्त किए गए। बड़ी मेहनत की केशव प्रसाद मौर्या ने और बीजेपी की झोली में 325 विधानसभा सीटें ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश की बीजेपी के खाते में दर्ज कराई। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह आए, उसके बाद फिर 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, सीटों की संख्या घटी। उसके बाद 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, सीटों की संख्या घटी। उसके बाद 19 का विधान लोकसभा चुनाव हुआ, 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, सीटें बहुत घटी। इस सब बात से आरएसएस बड़ी चिंतित है कि आखिर एक तरफा चुनाव होने के बाद लाखों वोटों से जीतने वाले लोकसभा के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में किस कारण धराशायी हुए। तो बात समझ में आती है कि आरएसएस की पकड़ बीजेपी पर कमजोर हो गई। आरएसएस को खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और इसी का कारण रहा कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 400 पार का नारा तो दे चुकी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह 400 पार का नारा दे चुके थे, लेकिन वो सटीक साबित नहीं हुआ। वो नारा 240 पर सिमट चुका था, आधे से कुछ ज्यादा यानी जो सीटें थी उसमें 60% पर हम जाके टिक गए। हालांकि कहा तो यह जाता है
डॉक्टरी में किसी दवा का जब हम साइंटिफिक उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो 60% दवा कामयाब हो जाती है तो हम मानते हैं कि दवा ठीक है। तो 60% सीटें पाकर बीजेपी को उन 400 सीटों में अपने को सुरक्षित महसूस किया गया, वो तो अच्छी बात ये रही कि एनडीए ने बाकी सीटें पूरी कर दी। अगर उसी हिसाब से एनडीए की सीटें भी गिर जाती, अगर एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वहां कुछ अच्छा नहीं कर पाती, बिहार में नीतीश कुमार कुछ अच्छा नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार इस देश में नहीं होती। ऐसे में आरएसएस अपने शतक यानी 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो आरएसएस 100वें वर्ष में कोई रिस्क नहीं लेगा, बीजेपी पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा और उसे अपना शतक पूरा करना है। अब यह सोचना होगा क्या बीजेपी संजय जोशी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने देगी या फिर आरएसएस अपनी जिद के आगे संजय जोशी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाएगा। यह सवाल मैं दर्शकों के मध्य छोड़ता हूं और इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम विश्लेषण सटीक आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे, नमस्कार।